नमस्कार, हमारे मेडिगो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। व्हाट इज रिंगवर्म? दांत क्या है? दांत एक कीड़ा नहीं है, यह एक त्वचा संक्रमण है। ये फफूंद जैसे फफूंद के कारण होता है, जो आपकी त्वचा, बालों और नाखूनों के मृत ऊतकों पर रहता है। आप इसे इनमें से किसी भी जगह और अपने स्कैल्प पर प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इसे अपने पैर की उंगलियों के बीच पाते हैं, तो लोग इसे एथलीट फुट कहते हैं। यदि ये आपकी कमर तक फैलता है, तो इसे जॉक खुजली के रूप में जाना जाता है। लक्षण क्या हैं? गप्पी संकेत: एक लाल पपड़ीदार पैच या गांठ है जो खुजली करता है। समय के साथ चक्कर एक रिंग या सर्कल के आकार के पैच में बदल जाती है। ये कई चलने में बदल सकता है। पैच के अंदर आमतौर पर स्पष्ट या पपड़ीदार होता है, बाहर की तरफ थोड़ा उठा हुआ और उबड़ खाबड़ हो सकता है। आपको दांत कैसे होता है? दांत अत्यधिक संक्रामक है। आप इसे निम्न में से किसी भी तरीके से पकड़ सकते हैं दूसरे व्यक्ति से। दांत अक्सर त्वचा से त्वचा के संपर्क से फैलता है। अपने पालतू जानवरों से स्पार्की को रगड़ना या संवारना। जब आप समाप्त कर ले तो अपने हाथ धो लें। ये गायों में भी बहुत आम है। वस्तुओं को छूने से दांत का कारण बनने वाला कवक सतहों, कपड़ों, तौलिए और कंघी और ब्रश में रह सकता है। मिट्टी से यदि आप काम कर रहे हैं या मिट्टी में नंगे पांव खड़े हैं, जो दांत का कारण बनने वाले कवक से संक्रमण आपकी त्वचा पर है, जैसे कि एथलीट फुट या जॉक खुजली के मामले में, आपका डॉक्टर संभवतः कोटेसी एंटीफंगल क्रीम, लोशन या पाउडर का सुझाव देगा। क्लोट्रिमेजोल, माइक्रोनाजोल, टर्बिनाफाइन, लैमिसिल, केटोकोनाजोल ज्यादातर मामलों में आपको ये सुनिश्चित करने के लिए 2 से 4 सप्ताह तक अपनी त्वचा पर दवाओं का उपयोग करना होगा कि आप दांत का कारण बनने वाले कवक को मार दें। ये आपके वापस आने की संभावना को भी कम कर देगा। दांत के लिए नुस्खे उपचार: यदि आपके सिर पर या आपके शरीर पर कई अलग अलग जगहों पर दांत है, तो ओटीसी उपचार पर्याप्त नहीं हो सकता है। आपका डॉक्टर आपको एक एंटीफंगल दवा के लिए एक नुस्खा लिखेगा, जिसे आपको मुंह से 1 से 3 महीने तक लेना होगा। ग्रिसोफुल्विन वी, ग्रिस पीईजी, टर्बिनाफाइन और इट्राकोनाजोल मौखिक दवाएं हैं, जो डॉक्टर अक्सर दांत के लिए निर्धारित करते हैं। टर्बिनाफाइन: यदि आपका डॉक्टर आपको इन गोलियों पर डालता है, तो आपको उन्हें दिन में 1 बार 4 सप्ताह तक लेना होगा। वे ज्यादातर मामलों में काम करते हैं। साइड इफेक्ट आमतौर पर हल्के होते हैं और लंबे समय तक नहीं रहते हैं। उनमें मतली, दस्त, अपच और चकत्ते शामिल हो सकते हैं। यदि आपको लीवर की बीमारी या ल्यूपस है, तो आपको इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। ग्रिसोफुल्विन: आपको इसे 8 से 10 सप्ताह तक लेना होगा। यह स्प्रे के रूप में भी उपलब्ध है। साइड इफेक्ट्स में मतली शामिल है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में बताना नहीं भूलें।